बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एक तरफ नेशनल डायलॉग ट्रैक टू डायलॉग की बातें हो रही हैं हकूमत की ही टीम बी की तरफ से, दूसरी तरफ हकूमत और ऑपोजिशन ने एक दूसरे के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पीडीएम जमातें कहती हैं कि बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे और सेनेट के अंदर क्या करना है, इलेक्शंस में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, इस पर फैसला बाद में करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज को पता है कि मैं करप्शन नहीं करता। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है जिसको हम जमहूरियत का नाम देते हैं, क्या ये सिस्टम इसी तरह चलेगा या इसको रीसेट करना पड़ेगा, डायलॉग होना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स का? ये मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल है जो आज के प्रोग्राम का हम रखेंगे। अलॉन्ग विद इट, इस्लामाबाद में कल रात को एक बच्चा जिसका नाम उसामा सत्ती था, उसको इस्लामाबाद पुलिस ने, उनका जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उन्होंने शक की बुनियाद पर, क्योंकि उनको शक लगा था कि ये गाड़ी में डकैती करके किसी घर से एक वायरलेस हुई थी, उसके बाद जब पुलिस वालों को बताया गया कि ये कोरे गाड़ी थी या एक इस तरह की सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, उन्होंने इसका ताकुब किया। 5-6 किलोमीटर इस गाड़ी का ताकुब किया गया, फिर पुलिस ने कहा कि जी हमने पीछे से फायरिंग की। लेकिन कहानी ये है कि एक जवान बच्चे को इस्लामाबाद पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कत्ल कर दिया, और आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो उसका जनाजा हो रहा है इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे के ऊपर। इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क कैसे आगे चलेगा, इदारों की बात कौन करेगा, रिफॉर्म्स की बात कौन करेगा, क्या सिर्फ हकूमत और पीडीएम की हम लोग बात करते रहेंगे या इससे आगे भी जाएंगे? इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है ताशवीन सफदर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप कर रही हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं ताशवीन सफदर, चौधरी नूरुल हसन तनवीर और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। चॉइस साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू जी। चॉइस साहब, पीडीएम का क्या बना कल का जो इजलास था रायवेंट का, उसके बाद ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कहा उनकी सीईसी मीटिंग के अंदर, वो मनो अन पीएमएलएन ने भी कबूल कर लिया और बाकी की जमातों ने भी कबूल कर लिया। सो अब बाई इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं, सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी अब डिसाइड होगा कि क्या करना है। सो जो एक वो था कि 31 तक रिजाइन हो जाएंगे, पहली को धरना होगा, 1 फरवरी को हम 30 तक का डेडलाइन होगी, उसको अब आगे कैसे लेकर चलेंगे? बात यह है कि जो 31 की डेडलाइन है वो वहीं पे है, उसी जगह पे मौजूद है, और जहां तक बात है इसकी सेनेट इलेक्शन की और बात है जिमनी इंतखाबात की, तो वो उसके ऊपर जो अभी डिसीजन जो है 100% आना बाकी है, वो उनकी राय है पीपल्स पार्टी की, और वो राय जो है वो बड़ी मजबूत है, क्योंकि देखना ये है कि क्या इलेक्शन में हिस्सा ना लेके क्या आप पीपल्स क्या पीटीआई की हुकूमत से जान छुड़वा सकते हैं, क्या आपकी तहरीक उस जगह पे पहुंच गई है जहाँ पे आप अपनी तमाम बातें जो है वो मनवा लें। अगर आपको याद हो कि 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए थे और वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने उन इंतखाबात का बाइकाट किया था, और 1985 में जो उन्होंने बाइकाट किया ज़िमनी इंतखाबात का, इलेक्शन का, तो सॉरी कौमी इलेक्शन का, उसमें उस वक़्त पीपल्स पार्टी तकरीबन आउट हो गई थी और उसका गैप जो है वो कई सालों तक जो है उसको पूर नहीं किया जा सका, और लिहाजा इस वक्त पीडीएम को बैठ के सोचना है और देखना है कि उनका जो मकसद है वो ये है कि क्या हम अगर इस्तीफे दे के बाहर आ जाते हैं और इसके बावजूद जो है सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं, अगर तो इनके सेनेट के इलेक्शन के बावजूद हो जाते हैं आईन और कानून की रोशनी में, ठीक है, तो फिर हमारा लाहे अमल क्या होगा, और अगर हम इलेक्शन जो है रुकवा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है नलायक और नाहिल, जो कि एक्सपोज हो चुकी है, वो मान गए हैं
कि मुझे तजर्बा नहीं था और मैं पता नहीं था, मसाइल को हल करने में नाकाम हुए हैं, तो अगर उससे हम जान नहीं छुड़वा सकते तो और उसको फायदा हो जाएगा उल्टा कि वो इलेक्शन में आप होंगे ही नहीं और कोई इनमें कोई तरमीम लेके आ जाएंगे, तो आपको बैठ के सोचना चाहिए आखिर ये मैंडेट जो है ये हम की तरफ से है और मुल्क कौम का जिसमें फायदा है, जिसमें सियासी जमातों का फायदा है, जिसमें पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया, कौम का फायदा है उसकी तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। तश्वीन एक बड़ा अच्छा ये एक चीज हमने देखी कि उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, बाय इलेक्शंस में भी और डाउन द रोड सेनेट के भी ऑब्वियसली इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर भी लेंगे, और कल भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आ रहा था बिलावल भुट्टो की तरफ से कि हम इस निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जमहूरियत रहे। सो लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक मोहम्मद अली दुरानी साहब का जो फैक्टर है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह वो आए, मिल गए शहबाज शरीफ साहब को, उसके बाद मौलाना साहब को भी जाके मिल गए, लेकिन कल फिर उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जी हम लोग तो कोई जो कौमी डायलॉग है वो खारिजुल इम्कान है, ये कहा गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से। तो ये मोहम्मद अली दुरानी साहब को आप लोगों ने भेजा था कि किसने भेजा था जी? थैंक यू मंसूर, आपने मुझे आज इन्वाइट किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात आपने पूछा कि जी ये इलेक्शन में जा रहे हैं तो इसका क्या है, तो इलेक्शन में तो जी जाना, मैं कहती हूँ कि एक जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल को बहरहाल कायम रहना चाहिए, अगर ये बादले नाखास्ता भी जा रहे हैं या और इनके पास कोई चारा नहीं रहा या बामरे मजबूरी भी जा रहे हैं तो इनको जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारी मीटिंग हुई और हमारे ये हुए, हमारे इजलास हुए और ये हुए वो हुए, ये मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा है कि ये पीडीएम बेसिकली कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जी। बेसिकली इनका कोई एक चीज पे मुत्तफिक हो जाना ना एक मौजज़ा ही हो सकता है, और वो एक ही चीज है जिसपे ये मुत्तफिक है, वो इनकी करप्शन है। और उसके बाद अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी जाहिर है सियासी जमात तो है ये, लेकिन वो अपनी अपने इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये सारी जमातें काम कर रही हैं जी, पीपल्स पार्टी भी अपने इंटरेस्ट पे काम कर रही है, तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए ही फैसले लेगी, वो इनके पीछे क्यों लगेगी जी? ठीक है, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के पास क्यों वो इस वक्त इस्तीफे देने के पोजिशन में ही नहीं है, अगर वो पोजीशन इसमें होते और वो कुछ कर सकते होते, कुछ बन पड़ता होता तो वो कुछ ऐसा इनके पीछे लग के वो कुछ कर लेते, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है नहीं जो इनके पीछे लग के कुछ करेगी, पहली बात। और दूसरा, उनके पास इस वक्त सिंध की हुकूमत है, उनके पास उनको उनको ये उम्मीद भी है कि शायद वो सेनेट की चंद सीटें जीत जाए, तो वो कभी भी अहमकाना फैसलों की तरफ नहीं जाएंगे। बाकी ये जो कि पहले ऑलरेडी असेंबलियों से बाहर बैठे हुए हैं और फिर भी ये असेंबलियों में बैठे हुए लोगों के इस्तीफे मांग रहे हैं जो कि इनको देने पे भी तैयार नहीं है, बहरहाल ये अपना देख लेंगे कि इनका क्या फ्यूचर है। ठीक हो गया। इस किस्म का ये प्लेटफॉर्म है जी पीडीएम, इस पे तो बात करना ही मैं समझती हूँ कि फजूल काम है। एक बिल्कुल ठीक है जल साहब, मुझे सर जरा आपने हुकूमत की और अपोजिशन की दो व्यू पॉइंट सुना। सर ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है, जो हमारा डायलॉग नहीं होता, हम बात नहीं करते, हमने पार्लियामेंट को बिल्कुल ज़ीरो करके रखा हुआ है, हुकूमत ऑपोजिशन की बात नहीं करती, ऑपोजिशन हुकूमत को एंडोर्स नहीं करती, ना इवन एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि दे इवन एग्जिस्ट, तो सर ये सिस्टम इसी तरह चलेगा या वो जिस तरह आप कहते हैं सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है, और किस तरह और कौन करेगा रीसेट? सर जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि ये बातचीत होती कब है, जब भी कोई कंपटीशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंपटीशन हो या पॉलिटिकल कंपटीशन हो या मिलिट्री कंपटीशन हो, या तो एक साइड हार जाए और या फिर एक स्टेलमेट पैदा हो जाए कि जिसमें दोनों साइडों को ये लगे कि अभी ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना वो कुछ कर सकते हैं। अभी ये हालात उस तरफ जा रहे हैं, वहां तक पहुंचे नहीं है, बहुत जल्द दोनों को ये एहसास हो जाएगा, जल्द या मैं ये कहूँ जल्द या बदेर ये एहसास हो जाएगा कि इससे कुछ फायदा नहीं है दोनों साइडों को भी और अवाम को भी खासकर। देखिए सियासत का मेन मकसद सिर्फ इख्तदार में आना नहीं होता बल्कि अवाम की खिदमत होता है, और मुख्तलिफ पार्टियां भी आती रही हैं, फौज की हुकूमत भी रही है। मुझे बताइए क्या आपके लोगों को हमें पीने का साफ पानी मिल गया, क्या इंसाफ मिलने लगा है? जिसको कहते थे कि डोर स्टेप पर आपको इंसाफ मिलेगा, ना इंसाफी अरूज पर है, जो ना आपसे गंद साफ हो रहा है, ना आप पीने का पानी दे पाए हैं कुछ, अगर थोड़े बहुत ना किसी इंस्टीट्यूशन को आपने रिफॉर्म किया है, तो जो असल चीज़ है जब उसकी तरफ आप तवज्जो ही नहीं देंगे तो फिर कैसे बातचीत होगी? तो मैं जो सिस्टम रीसेट की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ देखिए जब तक सब लोग एक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और मानेंगे नहीं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, और बजाय इसके कि उन गलतियों का आप रिकॉर्ड सामने लाना शुरू कर दें और एक दूसरे को बताना शुरू कर दें
कि जी फौज ने क्या किया और अदलिया ने क्या किया और पॉलिटिशियंस ने क्या किया और मीडिया ने क्या किया, ये चारों बड़े जो हैं इनसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो मौका है कि ये मिलके बैठें और इस बात को आगे, अब ये है कि क्या बात करें, कहां पर बैठें, ये क्या कैसे होगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, और चूंकि मैं फौज में भी रहा हूं और मैं सिविल गवर्नमेंट में भी रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं सियासतदानों को भी मिलता रहता हूं, एक बात पक्की है वो ये है कि अगर कोई ये कहे कि एक एंटिटी जो है वो पीछे हट जाए और हम मनमानी करते रहे तो ये तो नहीं होने का। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर कोई ये कहे जी, अगर हुकूमत ये कहे कि नहीं हम तो ये काम नहीं करेंगे, या अपोजिशन ये कहे कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, या कोई इंस्टीट्यूशन कहे कि हम तो ये काम नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं होने का। तो एक नंबर वन, इंस्टीट्यूशंस को अपने हदूद में रहना चाहिए और ये तासर खत्म करना चाहिए कि वो किसी किस्म के इंटरफेरेंस करती हैं। जो जो जितनी भी जमातें हैं अपने अंदर जमहूरियत लेकर आएं और ये मौरूसी जमहूरियत मेरा बच्चा और फिर उसका बच्चा और फिर उसकी बच्ची, इसको ये खत्म करें। नंबर तीन, जुडिशरी जो है लेटरल एंट्रीज को खत्म करें और जो नीचे से बाकायदा काडर अच्छे जजेस का है उनको प्रमोट करें। मीडिया इस बात पर इसरार ना करे कि हम जो मर्जी बोलें हमें कोई ना पूछे, आखिर उनमें भी कोई एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये तो है चार बड़ी बातें। उसके बाद ये है कि मुल्क को छोटे गवर्नेबल सूबों में तकसीम किया जाए, जो कि लिंग्विस्टिक बुनियाद पर ना हो, एथनिक बुनियाद पर ना हो, बल्कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर हो। पुलिस की रिफॉर्म्स की जाए, जुडिशरी की रिफॉर्म्स की जाए, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की जाए। ये 5-6-7 पॉइंट्स हैं। अब होगा कहाँ पर ये, इसका भी मेरे पास पूरा नक्शा है। सर मैं इस पे दोबारा आता हूँ, जलसा मैं इस पे दोबारा आता हूँ। चौहान साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, कल आपके वहाँ पर जलसा भी है, मरियम नवाज भी वहाँ पर आ रही हैं, क्यों इस वक्त हुकूमत जो है, ऑब्वियसली मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी बात कर रहे हैं, क्यों इनको लगता है कि इवन अगर नवाज शरीफ साहब भी कहेंगे तब भी रिजिग्नेशंस नहीं आएंगे। कल मौलाना फजल रहमान पर मुराद सईद ने भी कहा कि उनकी अपने जो अरकान हैं उनके इस्तीफे तक नहीं आए, तो ये किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी के इस्तीफे आएंगे? जी को ईमानदारी से इमानन कुरानन कहता हूँ हल्फिया तौर पर कि हमारे पास तकरीबन एक दो को छोड़ के तकरीबन 82 इस्तीफे जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं। हमने ये इख्तियार अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को दे दिया, सबमिट कर दिया। ये जो लुगव है, झूठ है, जो बाहर बैठे हुए जितना मर्जी बोलते रहे, कहते रहे कि इस्तीफे नहीं आए, ये एक बात तो यह है कि अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को हर जमात ने इस्तीफे दे दिए। अब अगली बात यह है कि क्या ये आगे सबमिट करने चाहिए स्पीकर को या नहीं करने चाहिए। वो मैं जनरल साहब लोधी साहब जो है ना, ये बड़े भले आदमी हैं, ये हमारे इधर बहावलपुर में भी रह के गए हैं, ये अच्छी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे, और एक एक बात अच्छी कर रहे थे और एक बात के साथ मुझे इख्तलाफ है। इख्तलाफ जिस बात से है वो ये है कि ये फरमा रहे थे कि जी मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर जनरल का बेटा जनरल हो सकता है, कर्नल का बेटा कर्नल हो सकता है, जज का बेटा जज हो सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर हो सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो सकता है, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक है, और वो हो सकता है, उस वक्त तक हो सकता है जब तक अवाम उसको वोट दे, जो जिस जिन्होंने जिन लोगों ने चूज करना है, तो हम किसी के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगा सकते। चौहान साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी। चौहान साहब मैं आपसे यहीं से स्टार्ट करता हूं। दूसरी मुझे जो अच्छी बात वो कर रहे थे वो ये कर रहे थे। चौहान साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक, मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जी चौहान साहब आप अपना कमेंट जी कंप्लीट कीजिएगा। आप कह रहे थे मौरूसी सियासत के बारे में, आप कह रहे थे कि अगर लोग वोट दे रहे हैं चाहे वो जिसकी भी बेटी है या बेटा है, तो इस पे एतराज नहीं होना चाहिए। जी कंटिन्यू कीजिएगा। ये फरमा रहे थे जनरल साहब के जो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे, तो नेशनल डायलॉग की जी मैं भी भरपूर हमायत करता हूँ और बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि जी हमने कोई गलती नहीं की, तो यहाँ पे सब ने गलतियाँ की हैं। 72 ईयर्स में सब ने गलतियाँ की हैं। आप बात फरम कर रहे थे पानी के, पीने के पानी की, हेल्थ की और तालीम की, हर सेक्टर में गुंजाइश है। हमें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, 2.5 साल हो गए हैं। यकीन करें कि कोई हमसे, इन्होंने आज तक 2.5 साल में हमें किसी पॉलिसी में इन्होंने शामिल नहीं किया। जो पहली हुकूमतें होती थी वो उन एरियाज के लिए, हमारा जो एरिया है इस वक्त
भावलपुर व्यू पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं इस एरिया के, उनके लिए जो जो फंड्स हैं, जो बजट का हिस्सा है, वो तो लोगों के मसाइल तो हल होने चाहिए ना, उनकी रोड्स बननी चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस और प्रॉब्लम। ये यकीन करें इस हुकूमत ने किसी को कोई नहीं पूछा, क्योंकि ये एक एक हमारी नजर में मुझे यही जुमला जरा तश्वीन के पास लेकर जाने दीजिएगा। तश्वीन एक डायलॉग, एक कंसेंसस, आप और अपोजिशन और बाकी की जिस तरह भी जनरल साहब कह रहे हैं, सिस्टम को एक दफा रीसेट करें, बात करें, डायलॉग शुरू हो तो शायद चीजें आगे चल पड़े। एंड आई एम श्योर अगर बातचीत की जाए तो चीजें आगे चल सकती हैं। क्या व्यू है आपका इस पर? सर, मेरा ख्याल है ये हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जो कि सिस्टम की बेहतरी और स्टेबिलिटी की तरफ काम करना चाह रही है और दिल से चाह रही है। लेकिन अगर आप अपोजिशन के रवैये की बात करते हैं तो पहले दिन से पीएम साहब की स्पीच से लेकर आज तक ये रवैया जो है आप पूरी कौम के सामने है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का दौर है, कोई चीज किसी से छुपी नहीं रह सकती, लाइव ट्रांसमिशन आती है आपकी पार्लियामेंट के इजलास की, और आप देखते हैं कि उसमें हमारी अपोजिशन का रवैया क्या है कि वो तो बात करने भी नहीं देना चाहते हुकूमत को, काम तो बहुत दूर की बात रहेगी। दूसरा, मेरे भाई ये कह रहे थे हम तो चाहते हैं कि बैठें, लेकिन वो तो असेंबली भी चलने नहीं देना चाहते, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, मेरे भाई बहुत मुरसी सियासत को सपोर्ट कर रहे थे, जाहिर है वो करेंगे, उनकी मजबूरी, उनकी पार्टी चलती ही मुरसी सियासत पे है। देखिए मौरूसी ठीक है, जनरल का बेटा जनरल और वकील का वकील और वो का वो, लेकिन आप ये देखें कि व्हाटसोएवर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, लेकिन जो भी आता है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वो इंजीनियरिंग पढ़ के आता है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता या उसका बाप उसे डिग्री नहीं देता। इसी तरह अगर सियासतदान का बच्चा अवाम के वोट लेकर आता है, काउंसलर से, बीडी लेवल से, एमपीए से, एमएनए से, अपनी एक पब्लिक ओपिनियन के साथ वोट लेकर आता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता आगे आने से। एतराज सिर्फ वसीयत और नसीहत के ऊपर लीडर बना देने पे है। ठीक ठीक है जी, ठीक। तो ठीक। ये एक छोटा सा फर्क है जिसको समझ लें तो बेहतर होता है। और जहां तक रही बात हमारी हुकूमत की, हमारी हुकूमत का हजार हा दफा मैंने हर प्रोग्राम में बताया कि बेसिक चीज ही इदारों की मजबूती, इदारों की खुद मुख्तारी, सिस्टम की बेहतरी, सिस्टम की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। जल साहब, हम लोग उन ठीक हो गया। जल साहब मुझे एक चीज बताएं, ये कैसे हो सकता है कि जो मैंने पास्ट में किया है उसको हम भूल जाएं और हम आज से एक नया आगाज करें? क्योंकि जो पास्ट है उसी को लेकर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो पास्ट से आगे नहीं निकल पा रहे। जब तक वो आगे निकलेंगे नहीं, चीज़ें आगे चलेंगी नहीं। हर बात के अंदर पास्ट को कुरेदा जाता है, तुमने ये किया और तुमने ये किया। सो इसको इसको किस तरह आप देख रहे हैं जी? जी देखें, बात यह है कि अगर तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो ना, जिसके पास ऐसा मैंडेट हो कि वो पास्ट को कुरेद सके, फिर आपके पास मशीनरी ऐसी हो जो व्हाइट कॉलर क्राइम को अनअर्थ कर सके, ये दोनों चीजें नहीं है। और ये सिर्फ इस हुकूमत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछली हुकूमतों का भी मसला रहा है कि जो भी हुकूमत में आया है, हत्ता कि जब डिक्टेटर भी आए हैं तो वो भी मुकम्मल तौर पर ना अकाउंटेबिलिटी कर सके ना पास्ट, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। एक चीज होती है एक जमाने में गलत लाम, फॉर एग्जाम्पल एक जमाना ऐसा था कि हुंडी के जरिए पैसा आता था जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक, ये जो जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ये बड़ा एक गलत उलाम था। इतने सख्त कानून थे नेशनल बैंक के कि अगर आपने अपने बच्चे की फीस भी बाहर भेजनी है तो और आपके पास कोई तरीका नहीं था सिवाय इसके कि वो $10,000 लॉन्डर करके भेजें। तो ये अगर आप इन चीजों में खुबे रहे तो फिर यकीनन जैसे नजर आ रहा है आप कभी आगे नहीं जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंटेबिलिटी बंद कर दें, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ये मान लें कि भी कादी साहब आपने भी गलती की है और मैंने भी गलती की है और फलाने ने भी की है, तो या तो हम सारे जेल में चले जाएं, बिल्कुल, या फिर ये है कि हम जो गलत करने वाले टॉप के लोग हैं उनको हम करें एक साइड पर। पार्टियां बहुत मजबूत हैं, तनवीर साहब को मैं जानता हूं माशाल्लाह, अपने इलाके में माने हुए, हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन बात यह है कि इनको कोई दे ना लीडरशिप, ये इनको क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हाथ बांध के खड़े हो जाए किसी के भी आगे जो कल का बच्चा या कल की बच्ची है। तो बात यह कि जनरल का बेटा जनरल बनता है, पहले लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, फिर वो पूरी ट्रेनिंग करके आता है। इस बात को आप अलग छोड़ दें, ये ऐसी बहस है जिसको मजीद इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि माजी को कैसे छोड़ दें, माजी इतना लंबा हो गया मेरे भाई
कि उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, माजी को छोड़ें और माजी को जिन्होंने बिल्कुल दागदार किया उनको भी छोड़ने, पार्टियां भी रहे, मुस्लिम लीग भी रहे, पीपल्स पार्टी भी रहे, पीटीआई भी है, इदारे भी रहे, लेकिन उन तमाम लोगों को अलग करें जिनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि इतनी आपके पास टाइम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करें, उनको सजाएं दें, ये नहीं हो सकता। सर मेरी बात सुने, सर मेरी भी जेल साहब आपके पास ही मेरा सवाल है, एक शॉर्ट जवाब मुझे दीजिएगा, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। माजी को छोड़ें और आगे चलें, और जिस तरह आपने बात किया आई 100% एंडोर्स इट, लेकिन इसको छोड़ने के लिए हकूमत को लीड करना पड़ेगा, हकूमत को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, जो कि आई एम सॉरी टू से अपेरेंटली डजंट फील लाइक आफ्टर लिसनिंग टू इमरान खान साहब के ही इज लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। देखें जो 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 इमरान खान कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि ना ये मुकदमे हमने कायम किए हैं, ना इन मुकदमों को हम परसू कर रहे हैं, ये उनका कहना है। ये तो बात सही है कि कायम उन्होंने नहीं किए, परसू कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सामने पता नहीं चलती, आप क्राइम से सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। हाँ। तो मैं ये कहता हूं कि माजी को भी छोड़ें और माजी बनाने वालों को भी छोड़ें जिन्होंने बहुत बुरा माजी बनाया है हमारे मुल्क, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मुझे भी उठा के एक तरफ फेंके, उसके बाद आप जैसे नौजवान जो है वो आगे बढ़े, इस मुल्क की बागडोर संभालें। अगर आपने हमें दिए रखा तो हमने जैसे पहले काम किया ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और एक बहुत वैलिड लॉजिकल डिबेट हुई है इस वक्त जो जनरल साहब ने की है, मैं इस पे ही चौधरी नूरुल हसन तनवीर और ताशफीन सफदर का व्यू पॉइंट लूंगा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। चॉइस साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, बड़ा एक अच्छा बात की, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जनरल नईम लोधी ने लिया है, कह रही हैं कि इस तरह होना चाहिए और हमें आगे चलना चाहिए, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पिछली चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ के आगे चलें, कोई रास्ता हम लोगों को पता चले, आने वाली नस्ल को पता चले। आप बीइंग एन ऑपोजिशन और आप मेजर ऑपोजिशन पार्टी हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या ख्याल है आपका, आपकी लीडरशिप मान जाएगी इस बात को जी? बात यह है कि जी जो इन्होंने फरमाया है मैं इसको फुली तौर पे सपोर्ट करता हूं, लेकिन कहां से शुरू करेंगे आप? शुरू करेंगे कि सबसे पहले बैठेंगे कि आज के बाद ये जो 1973 का आईन और कानून है इसके मुताबिक हम चलेंगे, किसी रूल के तहत ही चलेंगे ना, तो वो क्या है, वो आईन और कानून है। तो तमाम अदारे जो हैं जो जिन जिन जो अपना अख्तियार है उनका, वो अपने आप को ताबे करेंगे, आईन के ताबे करेंगे, हाँ जी, और उसमें उसको जो आईन है उसके मुताबिक जो हुकूमत किसने मुंतखब करनी है, ठीक हो गया, हमने कैसे करनी है, वोट करनी है। तो फिर क्या हुआ कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, आजादाना मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात, जिसमें जो है किसी का कोई अमल दखल ना हो, ईमानदारी के साथ जो जीत जाए उसके उसको 5 साल का मौका मिलना चाहिए, जो वो पॉलिसी लेके आए उसको फॉलो करें, और तमाम जो अदारे हैं वो उस मुंतखब हुकूमत के ताबे हों। इसके बगैर कोई बात है ही नहीं, बेईमानी से की हुई हुकूमतें जो है कायम की हुई है वो चल नहीं सकती किसी सूरत में, कोई किसी को हक नहीं कि मुसल्लत करे। आपका पॉइंट आ गया ताशफीन, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे जी? देखिए जी, सीधी सी बात है कि जो हुकूमत होती है जाहिर है सब इदारे उसके ताबे होते हैं, और इदारों को, अगेन मैं वही कहूंगी कि इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए और मुकम्मल आजादी के साथ अपने फराइज को अंजाम देना चाहिए, और उसमें अगर कोई मतलब इन चीजों में अगर कोई रुकावट लाने की कोशिश करे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और अगर हम ये बात करते हैं कि हमें पीछे सब कुछ भूल के तो एक नए उसमें शुरू करना चाहिए, हमें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जो कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए, जिस डायमेंशन में भी उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो पीछे ब्लंडर्स हो चुके हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए या अक्सर माफ कर दिया जाए। देखिए कुछ चीजें बहुत नागुजर जाती हैं आगे चलने के लिए, इससे पहले सॉल्व करना, बिल्कुल ठीक है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें बेहतरी की तरफ जाने के साथ साथ जो हमारी कोताहियां गलतियां हो चुकी हैं वो भी बड़े दिल से एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करनी चाहिए, बिल्कुल की तरफ भी जाना चाहिए। पॉइंट आ गया। तश्वीन सफदर थैंक यू वेरी मच, चौधरी नूर साहब थैंक यू वेरी मच, जनरल लईम खालिद लोधी साहब जी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। व्यूअर्स एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मैं ज़रा इस्लामाबाद में एक टीनेजर उसामा को इस्लामाबाद पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, इस पर क्या हुआ, किस तरह हुआ और अब आइंदा क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन हुआ और वहां पर हमारी पंजाब पुलिस ने लोगों के मुंह पर गोलियां मारी, जिसके भी कहने पर मारी पंजाब पुलिस ने थी, हमने कुछ नहीं सीखा। सानिया साहिवाल हुआ, हमारी सीटीडी ने मारी, हमारी मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ओनरशिप हम लेते हैं, सीटीडी ने मारी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कल रात को इस्लामाबाद पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, ये जो एक गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें एक लड़का था, ये जवान बच्चा टीनेजर पढ़ता था, रात को कैब चलाता था कि मैं कमा लूँ कुछ कर लूँ, इसको पुलिस वालों ने रोका और ये नहीं रुका और उसके बाद पुलिस ने क्लेम किया कि जी हमने इसको पीछे से गाड़ी के फायरिंग की और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने इसकी रिपोर्ट देखी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई थोड़ी सी जो अभी इनिशियली, उसमें पता चला कि इसकी फ्रंट साइड से, फ्रंट एंड जहां पर फ्रंट शील्ड होती है वहां से फायर किए गए, 17 फायर किए गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने मारना था, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था। एक डकैती की वायरलेस चली थी जिसके अंदर कहा गया था रात के तकरीबन 1:30 बजे ये कहा गया था एक सफ़ेद रंग की गाड़ी, वो ऑल्टो भी हो सकती है, वो कोरे भी हो सकती है। तो हमारी पुलिस जो माशाल्लाह जिसको क्लेम हम करते हैं, जिसके बारे में चाहे आईजी साहब हों, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, उनकी तनख्वाहों के लिए लाड़े होते हैं कि जी इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने चेक नहीं किया, एक गाड़ी नहीं रुकी, उन्होंने उसको फायरिंग कर दी फ्रंट पे आकर। ये कहानी गलत है कि पीछे से गोलियां मारी, अगर हम वो विंडो पे दिखाएं जी प्लीज़ गाड़ी, या आप गाड़ी को देखें गाड़ी की फ्रंट शील्ड के ऊपर से गाड़ियां मारी। मुझे सिर्फ एक सवाल मेरा जो आज ये है, 17 गोलियां मारी गई हैं इस गाड़ी पे, वो बच्चा मर गया, उसका नमाज जनाजा जब हुआ तो कश्मीर हाईवे पूरी ब्लॉक थी, कहाँ है SSP ऑपरेशन? ओह मैं तो भूल गया, इस्लामाबाद में SSP ऑपरेशन ही नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, कहाँ है DIG ऑपरेशन जिनको बड़े वो चाह के साथ लगाया गया था, वकारुद्दीन सैयद साहब, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पर है। अगर ओनरशिप नहीं लेनी तो फिर वर्दियाँ उतार के घर चले जाएं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी जो स्क्वाड्स हैं, आपकी जो टीम ट्रेनिंग जिनकी आप कर रहे हैं, किस चीज़ का इन पर इतना पैसा लगाया जा रहा है, अगर इनको यही नहीं पता, साहिवाल में भी नहीं पता था, मॉडल टाउन में भी नहीं पता था और आज इस बच्चे को मारने के बाद भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग किस किस्म का निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। इस बच्चे के माँ बाप, इस बच्चे के रिश्तेदार, इसके दोस्त पूरी ज़िंदगी जब पुलिस की वर्दी देखेंगे उनके मुँह पर और दिल में जो होगा ये मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? क्या SSP, DIG, इनकी स्क्वाडें, इनके प्रोटोकॉल्स किस काम के लिए हैं अगर इन्होंने डिलीवर नहीं करना, अगर इनको पता ही नहीं कि एक बेगुनाह क्या है? और वहां पर DSP खालिद आके कह रहा है कि जी जब इन्वेस्टिगेट हुआ नहीं, और पहले आप लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे, आप लोग पर्चा नहीं दर्ज कर रहे, एक बच्चा मर गया, आपकी पूरी कोशिश थी कि हम बताएं कि यह दहशतगर्द है, जब आपको नजर आ गया, आपका DSP आया और उसको अंदाजा हुआ कि यह दहशतगर्द नहीं है, तो उसके बाद ये हमारे DIG इस्लामाबाद है जी, ये IG इस्लामाबाद है, पहले DIG वकार, कहां थे ये लोग, क्यों नहीं इनको पता चलता? कितना बड़ा है, 19 थानों का इस्लामाबाद है, पुलिस की बात करेंगे फिर आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी जब मैं बोलूंगा, 19 थानों को आप मैनेज नहीं कर सकते और आप क्लेम कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान का निजाम बदलेंगे, हम पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कौन सा पुलिस रिफॉर्म्स आप लेकर आएंगे? आपसे तो आपके कॉन्स्टेबल्स तक मैनेज नहीं होते, आपसे जब ये मैनेज नहीं होता, मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए होगा जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेकर रहूं कि ये इस फैमिली का क्या कसूर था, उस बच्चे का कसूर था, उसकी मां का क्या कसूर था, उसके बाप का क्या कसूर था, उनके पूरे खानदान वालों का क्या कसूर था। पूरी जिंदगी जब भी वो तुम लोगों को देखेंगे, वो दिल में जो कुछ कहेंगे और मुंह पर जो कुछ कहेंगे, इसका जवाब तुम लोगों को रोजे हशर पर देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे, आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।